तो हम बता रहे थे भाभी जी कि जितना मर्जी मीठा खा लीजिए आए और जितना मर्जी मीठा खा लीजिए, मगर सबसे मीठा होता है गुलकंद। जी जी, जितना मर्जी मीठा खा लीजिए, सबसे मीठा होता है गुलकंद। हम उसको फोन किया और उसका नंबर आ रहा था बंद। मतलब ऐसे हुआ हमारे साथ, बोलिए। अब मुझे क्या पता आपने किसको कॉल करा किसको नहीं। उस ससुरी पहले फोन की ना हमको। ससुरी को मतलब आपके ससुर की बीवी? ससुरी? अच्छा, वो है ससुरी हमारी। हाय नहीं, अब काहे फोन करेगी? तो आप ससुरी से फोन करवाइए ना। चुप करिए बस आप। वैसे मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए? नहीं, सीधे डायरेक्ट आपके पास है हम। नहीं एकदम, हमें रास्ते में हमारे बीवी नहीं है, हम सीधा आपके पास हैं। देखिए पहले थी तो मॉर्निंग में उठते थे तो एकदम, नहीं अभी नहीं, नहीं है। आप इधर आइए। अरे भाभी जी नहीं, देखिए पता नहीं कौन कौन सी बात के, कभी टॉयलेट लेके आ जाते हो, कभी किस लिए लेके आ जाते हो, ये कर क्या रहे हो आप? एक बार आपको बात बताए, हम बचपन में लड़की छेड़ दी एक बार। अच्छा, क्या छेड़ा? लड़की। क्या? कुरी कुरी लड़की थी। भाभी जी तो लड़की रहने दीजिए ना, छेड़ने दीजिए, लड़की छेड़ रहे हैं। आए तो लड़की थी, ऐसे बिरस कर रही थी। क्या बिरस? बिरस जो हम नहीं करते हैं जी। कर रही थी और ऐसे हॉस्टल नहीं होता है, हॉस्टल दे गए लाया गाना है पंजाबी ऐसे अच्छे अच्छे कई, तो ऐसे ब्रश कर रहे थे। हाँ। और हम देख के कमेंट कर दिए। क्या कर रहे? ऐसे फेसबुक पे नहीं करते, लिख के टाइप कमेंट कर दिए। जी जी। हम बोले कि हमहू ब्रश होता तो तुम्हारे दातावा के साथ चिपक जाता। तो आगे से भौजी पता का बोली, काश थोड़ा बड़ा होता तो हमारा बाथरूम में काम आ जाता। हम बहुत परेशान हुए, भाभी जी हम बताइए टॉयलेट ब्रश की तरह लगते हैं? है कौनों तरफ से माने ये लगाए टोपी होता है उसके ऊपर, मगर लगते तो नहीं है। वैसे बिल्कुल सही बोला उन्होंने, पहले तो मुझे आप बहुत क्यूट से लग रहे थे। हाँ। लेकिन आप बिल्कुल टॉयलेट ब्रश जैसे लग रहे हो। आप हमें टॉयलेट ब्रश समझ के यहाँ रख लीजिए, हम यही रहेंगे आज के बाद, नहीं जाएंगे भाभी जी एकदम। अच्छा, आप यही रहेंगे? अगर बिट्टू जी आ गए ना तो आपकी ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे, ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे, आप याद रखोगे। कैसी हड्डियां तोड़ेंगे, कैसी हड्डियां तोड़ेंगे, बोलिए ना। हम डरते हैं गांव से, एक बार मारे थे दो तमाचा हमें, तुम नहीं बोले थे कुछ तो अभी। एक मिनट, आप वैसे तो नहीं रहेंगे लेकिन अगर बिट्टू जी आ गए तो आप नहीं रहेंगे। तो हम जानते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो आई ना करें। मतलब आए ही ना, आई भे ना करें का मतलब? वो जो है बिट्टू जी। हाँ। ना आए, ना आए क्यों? हम रहेंगे तो वो क्या करेंगे, बोलिए ना। इधर आइए। हम आए जी, इधर आइए। इस बार आप आइए ना। अच्छा। हाँ। मैं आऊंगी तो आपके ज्यादा मुक्के पड़ेंगे, आप चुप करके इधर आइए। अरे सर काई लोग करती है, गुदगुदी हो गया अभी तो। गुदगुदी हुआ कहाँ पे, जहाँ पे मांस है ही नहीं? ऐसे हड्डियों में गुदगुदी कौन सा होगा? होता है हड्डी में। हाँ? हाँ, हुआ ना अभी। अच्छा, तो लेकिन पता तो नहीं चला, गुदगुदी में तो ऐसे ऐसे होता है ना। अब करिए, करने दीजिए, अब करने दे। हम आपको बोलते हैं, गाना सुनाते हैं आपको जी। एक कुरी जिदा मोहब्बत गुम है, गुम है। अभी तो वो हरारू थी, हरारू थी, और अभी वो कुरी हो गई, अब तो ये क्या है? नहीं लड़की पंजाबी भी हो चलेगी ना, कुरी भी हो, अब कुरी गुम है। कोनो मतलब कहीं से हो, ऑल इंडिया कहीं भी, मतलब पूरा वर्ल्ड कहीं भी ढूंढ लीजिए, लड़की लड़की होनी चाहिए। बहरा जी जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे शादी करने आए हैं या फिर आप यहाँ पे पूरे पूरे जिले देखने आए हैं कि कौन सी लड़की आपके साथ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी? भाभी जी शादी तो हम करवाएंगे नहीं, आपको बता देते, कैंसिल कर दीजिए। तो फिर हमने आपसे मैरिज करवानी है, वो आपसे। तो मैरिज तो शादी होती है ना? शादी मैरिज होती है। हाँ। तो जो होती है करवा दीजिए ना। अरे लड़की मिलेगी तभी ना। लड़की अब ढूंढ, देखिए कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। ढिंडोरा? अरे छोरी है तो ढिंडोरी ना बजाएगा। भाभी जी आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ तक हद है ना। हाँ। पीछे पीछे खड़े हाथ से आगे गए हैं, नहीं गए तो फिर आप कैसे कह रहे हैं अच्छे आगे बढ़े? आपने ना सच में मुझे इतना ज्यादा दुखी कर दिया, इतना ज्यादा परेशान कर दिया, मैं क्या बोलूं? हम थोड़ा कम करते हैं जी। देखिए आप सोचते हैं कि हम हीरो हैं फिल्म के,
भाभी जी इट्स नॉट जाक। अरे भाभी जी वैसे इतनी गंदी फिल्म मुझे नहीं पता कौन बनाएगा। भाभी जी इसमें आप हीरोइन भी हैं, आप हीरोइन लेंगे आपको हम हीरो हीरोइन। जी जी आप अपोजिट में एकदम हीरोइन रहेंगे। जी जी और हमारे गलत फ्रेंड हैं। हाँ? गलत फ्रेंड। मैं आपकी गलत फ्रेंड हूँ? What do you mean मैं आपकी गलत फ्रेंड हूँ? आपको पता है यहाँ पे सभी देख रहे हैं, और I mean यहाँ पे सभी देख रहे हैं, और वो जाकर बिट्टू जी को बताएंगे कि मैं आपकी गलत फ्रेंड हूँ? हद हो गई आपकी। अरे क्या बोलता हूँ इंग्लिश में, उसको लड़की फ्रेंड होती है तो लड़की फ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड। वे हैं आप हमारे ये हैं हम आप पढ़े नहीं है। देखिए भाभी जी दो में से वो आ गए थे हम क्या हरारू हो गए थे। हरारू तो आपकी चली नहीं गई जी। तो फिर आप हरारू, अगर आप हरारू हो तो आप हरारू क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाभी जी हम हरारू घोषित हो गए थे, फेल हो गए थे। आई एम फेल हर। अच्छा जी भाभी जी आप लड़की ढूंढिए। ऐसा देखिए लड़की की जो नाक हो ना ऐसा एकदम लीची नहीं होता है। अच्छा उसके जैसी नहीं होनी चाहिए। हाँ। हमें टेस्ट नहीं लगता, पसंद नहीं एकदम लीची। तो आपने कौन सा नाक खानी है उसकी? तो नाक होती है ना भाभी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप भाभी जी एकदम छोड़िए। देखिए बहरा जी आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हम तो इतने ही हैं बचपन से, पापा बोले थे दवाई खा लो हाइट लंबा करने की, हम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। पापा बोले कि रुक जाओ यहीं भैया, हम तभी से वहीं रुक गए। वैसे मैंने एक चीज तो देखी है, आप यहाँ पे हरारू ढूंढने आए हैं लेकिन आपके पास कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मैं लड़की को बोल सकूं कि ये है आदमी। आप बताइए क्या क्वालिटी चाहिए, हम कौन सा अपने साथ तीन पीस से फ्री में दे देंगे, बोलिए कौन क्वालिटी दीजिए। ना तो आपकी बॉडी है बिल्कुल भी नहीं, ना तो आपका चेहरा है, ना चेहरा है या चांद का रूप जी। हम पिए आज 3 चम्मच सूप, बड़ा टेस्टी था भाभी जी, बड़ा टेस्टी सूप होता है वो, बेचता है ना यहाँ, क्या नाम है उसका, अरोरा जी। अरोरा जी का यहाँ सूप करेरी है। अरोड़ा आप प्लीज कुछ तो ढंग का बोलिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि आपके लिए लड़की मैं बड़े आराम से ढूंढ सकती हूँ। वैसे आपको एक बार पुलिस ने भी पकड़ा था? ओ भाभी जी क्या हुआ देखिए बताते हैं, पुलिस का हुआ, पुलिस पुलिस का चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अरे घर में आना जाना है उनका, एक बार चोरी कर लिए तो थप्पड़ मार के गए थे घर में। अच्छा। आकर तो घर में आना जाना लगा रहता है, एकदम पुलिस आता जाता रहता है। देखिए तो एक बार क्या हुआ, अच्छा ताश खेल रहे थे हम लोग। अच्छा जुआ। आप यहाँ भी ऐसी बातें करोगे आपकी पिटाई हो जाएगी। तो खेल रहे थे तो खेल रहे थे, आगे से नहीं खेलेंगे यहाँ। अच्छा। पे चोरी खेल रहे थे ना, खेल रहे थे तो वहाँ खेलते खेलते क्या हुआ पुलिस आ गई। अच्छा अब सब उठ के भाग गए, हम उठ के गाड़ी के पीछे बैठ गए। किसके? पुलिस की गाड़ी के पीछे। दरोगा जी पिछली बार भी पकड़े थे, हमें बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी, हम इस बार खुद ही आके बैठ गए। हाँ बोलिए ना, तो हम टैलेंटेड हैं। आपके पास बहाने बहुत ज्यादा है ना। नहीं नहीं भाभी जी देखिए बैठ के काम करना चाहिए, कौनो काम आप बैठ के कर रहे हैं जी। तो हम वहाँ बैठ गए थे तो ऐसे पहले ही बैठ जाए ना, जाके वहाँ बैठ गए थे तो बोले गए हमें। आपको वैसे बैठना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे आप अभी मेरी जड़ों में बैठ गए हैं। आपकी जड़ों में तो हम जिंदगी भर बैठना चाहते हैं, आप जड़े मत उखाड़िएगा बस। जड़े तो नहीं, आपके बाल जरूर उखाड़ दूंगी मैं आपके सर से। भाभी जी देखिए सर पे बाल नहीं है इसीलिए लगाए हैं, ढकने के लिए। आप गंजे हैं? सुर है ना ताल है, आहा आज सिर पे ना बाल है। अरे सुर है ना ताल है, अरे सर पे ना बाल है, अरे जा रे गंजे अब तू जा दो दो दो। अरे ताल से बाल उगा है रे, अरे ताल से बाल उगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए कैसी लड़की ढूंढूं, इनके सर पे बाल नहीं है, इनके पास कोई ताल नहीं है। हाँ? इनकी गंदी चाल है। ओह नो भाभी जी, हमारे सर पे बाल नहीं है मगर लड़की के सर पे होने चाहिए। अच्छा जी, और ये लड़कियां ढूंढते किसी की आंखें ऐसी हो, किसी की नोज ऐसी हो, किसी का ये ऐसा हो, किसी का वो वैसा हो, और अपनी आपने शक्ल देखिए कितने समात है, हमें मालूम नहीं है। मम्मी बचपन में बेटा है गुगली मुगली, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, और तुम कैसे हमारी कोख में आ गए, हम बहुत खुश नसीब है ऐसे बोला करते थे। और आप ऐसे बोले बोलिए आए
देखिए हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, दूसरों को पूछना चाहिए वो कैसा है। तो हम घूम घूम के सबकी माँ से पूछे कि हम अच्छे लग रहे हैं, वो बोले कि चुप करिए, कैसी बात कर रहे हो भाई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको घर से कैसे निकालूं। अब बोला जी नहीं आई मीन बहरा जी हाँ बहरा जी अभी आप घर जाइए वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करके यहाँ से आपको उठवा दूंगी। भाभी जी बात सुनिए, हमारा नाम क्या है? बहरा जी। हमें नहीं सुनाई दिया आप क्या बोले हैं। अभी आप क्या बोले हैं? भाभी जी आप ऐसे मत रहिए, भाभी जी मत रहिए, हमारी ऐसे निकल जाएगी, मत रहिए। देखिए बहुत मेरे को कभी बिट्टू जी ने ऐसा नहीं बोला, तभी हम हमेशा बिट्टू जी ने ऐसे ही बोला है कि मैं बहुत स्वीट हूँ। आपने मेरे को कितना गलत बोला, आपने देखा ना इन्होंने मेरे को कैसे कैसे बोला, मैं सारी बातें बिट्टू जी को बताऊंगी अगर दिल करे तो, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं उनको बताने की। आप लोगों ने देखा ना इन्होंने मेरे को तंग करा, आप जरूर उनको बताना जब वो आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इन्होंने मेरे को इतना, भाभी जी नहीं मुझे लगता है आपको क्या पसंद है, बोलिए। चुप रहिए,